हाल ही में 6 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म मुआवजा जमीन का पैसा की टीम दिल्ली पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को अपने फिल्म के बारे में बताया। इस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के डायरेक्टर गिरीश जुनेजा, प्रोड्यूसर जगदीश पी गुप्ता, एक्टर अनु कपूर समेत टीम के और भी लोग मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान अनु कपूर ने इस फिल्म की कहानी के बारे में बताया। हमारी फिल्म छोटी सी लेकिन सार्थक फिल्म है। एक सार्थक मुद्दे को बड़े विनोद प्रिय, अगर मैं ये कहूंगा कि कॉमेडी के ढंग से नहीं, विनोद, आप हिंदी समझते हैं, विनोद और व्यंग के माध्यम से एक गंभीर समस्या को आपके सामने लाने की एक पूरी ईमानदारी की कोशिश। और हमने ये जो मुद्दा उठाया है, जिन किसानों को जमीन के मुआवजे मिले हैं और कुछ लोगों ने उनका सही उपयोग कर लिया है, उस जो पैसे मिले हैं, आप जानते हैं नोएडा के इलाके के, गुड़गांव के इलाके में लाखों करोड़ों मिल गए। एक घर में साइकिल हुआ करती थी और उसके बाद ऑडी शॉडी मर्सिडीज आने लगी है। कुछ लोगों ने उस पैसे को बचाया, उपयोग किया, री इन्वेस्ट किया। पैसा पैसे से बढ़ता है। कुछ लोगों ने इस पैसे का दुरुपयोग किया। जिन लोगों ने इस पैसे का दुरुपयोग किया, बस उन्हीं लोगों की कहानी है। और ये एक शिक्षा है इस फिल्म के अंदर कि मुआवजा जब मिला है तो बेचू जैसे लोगों से आपको दूर रहना है ताकि आपका पैसा सही और सुरक्षित। उन्होंने फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में भी बताया कि किस तरह वो बिचौलिया बनकर बस अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। बिचौलिया सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। अपने फायदे के लिए वो आपका घर जलाने को तैयार है। बेचू को कैरेक्टर उसका काम है प्रलोभन देके किसी भी तरह से आप उसके लिए यूज हो सके ताकि उसका फायदा हो सके। ये बेचू कैरेक्टर। फिल्म के डायरेक्टर गिरीश जुनेजा ने बताया कि फिल्म की कहानी एक रियल स्टोरी पर आधारित है, जिनके कैरेक्टर्स को वो पर्सनली जानते भी हैं। ये एक अच्छी साफ सुथरी जनरल केस स्टडीज के रियलिस्टिक कैरेक्टर्स की कहानी है, जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। चाहे वो चौधरी जयकिशन नाम रखा है, चाहे जसराम नाम रखा है, चाहे जसपाल, सब मैं पर्सनली जानता हूँ। रियलिस्टिक कैरेक्टर्स पे लिखी कहानी है। बेचू भाई एक चालाक और शातिर दिमाग वाला शख्स। तो 6 अक्टूबर को मुआवजा फिल्म देखना ना भूलें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आशीष कुमार, बोल विंदास, न्यू दिल्ली।